गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ डे पूरी ब्लॉग और अभी बज रहे हैं 8:30 इन द मॉर्निंग और आज मैं 5 बजे उठी हूँ, मतलब 5 o'clock इन द मॉर्निंग मैं उठ के रेडी होके आई वेंट टू मंदिर। और मैंने कहा ना, इस बार माय प्रायोरिटी इज़ नॉट ट्रैवलिंग, दिस टाइम माय प्रायोरिटी इज़ ओनली मंदिर गोइंग और पूजा देना, दर्शन करना। तो 5 बजे उठ के, मतलब तब इच्छा नहीं हो रही थी, पर सोचा कि नहीं चलो मंदिर चलते, क्योंकि अभी जो जगन्नाथ देव के दर्शन होते हैं ना, मतलब एकदम पहले, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 years बैक, तब क्या होता था, तब आप मतलब थोड़ा नियम कम था और एकदम गर्भगृह जो होता है वहाँ तक आप शाम को जा सकते थे और सुबह जा सकते थे। सुबह फ्री में होता था, शाम को टिकट लेना पड़ता था। फिर 2016 एंड से वो बंद हो गया और रिनोवेशन रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ और उसके बाद वो एकदम गर्भगृह बंद हो गया। गवर्नमेंट कुछ नियम आए कि वो बंद हो गया और उसके बाद बहुत दिनों तक बाहर तक ही खुला था। फिर उसके बाद एक जो मंदिर से मेन मंदिर गर्भगृह के बीच में जो जगह है वहाँ तक खोल दिया। फिर वहाँ तक दर्शन हो रहा था, पर कोविड के बाद दिस टाइम आई सॉ दैट वहाँ तक दर्शन करने के लिए भी दिन में 3-4 बार ही खोलता है। तो कल मैं दर्शन किया, मतलब वहाँ तक जाके, जब वो जो मंदिर का फ्लैग है, ध्वजा बोलते हैं, वो जो फ्लैग जब चेंज होता है उस टाइम को दर्शन होती है, तो वो शाम को 5 बजे मैंने कल किया था। और आज मैं मंदिर होके आ गई, मतलब आज सुबह सुबह 5 बजे गई थी। फिर बहुत भीड़ था। फिर क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा वेट किया वहाँ पे और आज गर्मी बहुत है, मतलब कल जैसे बारिश हुआ था गर्मी कम था, आज बहुत गर्मी है, आई एम एग्जॉस्टेड। तो दर्शन बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत टाइम तक अंदर थी, क्योंकि जो भी है बहुत टाइम तक अंदर थी और अंदर दर्शन करके फिर शिव जी का पूजा करके फिर वापस आ गई। और अभी होटल जस्ट 15-20 मिनट पहले आई हूँ, चेंज करके बैठी हूँ, अभी नीचे जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने रेडी होके। और आप मेरे साथ रहिए, फोर्थ डे का शुरुआत हो चुका है, तो देखते आज कैसे क्या करना होता है, मतलब थोड़ा बहुत शॉपिंग बाकी है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने ले लिया है ड्राई टोस्ट, स्क्रैम्बल्ड एग एंड उपमा। ये थोड़ा बंगाली स्टाइल उपमा है, थोड़ा ड्राई तरीके से होता है, उतना उपमा जैसा उपमा नहीं होता है और वेजिटेबल्स भी रहता है इसमें, और इसमें हल्दी, मतलब हल्दी डालते हैं। तो बस टोस्ट के साथ स्क्रैम्बल्ड एग बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने लूची लिया है, लूची इज़ द सेम थिंग ऑफ पूरी, पर इसका डिफरेंस जो है दैट इज़ मैदे से बनता है लूची और पूरी आटे से बनता है। और लूची के साथ था आलू की सब्ज़ी, अच्छा था, नॉट बैड। Having tea, piping hot. So आज मैं बहुत ज़्यादा energetic हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे मंदिर होके आई, अभी बज रहे 10:30 in the morning, breakfast भी हो गया, तो बस ऐसे ही थोड़ा नीचे बैठी थी और कुछ खास करने को है नहीं। अभी बाहर बहुत गर्मी है आज, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो this is the hotel lobby, आप देख सकते हो लॉन्जेरिया, यहाँ पे बैठने की जगह है, सामने रिसेप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, और रिसेप्शन के पास से आप निकल जाओगे तो दिस इज़ द कॉरिडोर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर में रूम एकोमोडेशंस है, और इनके बेसमेंट में इनका किचन एरिया एंड रेस्टोरेंट है। और सामने आप देख सकते हो दिस इज़ द लिफ्ट, और लिफ्ट ना कैप्सूल लिफ्ट है। अगर मैं ओवरऑल कहूँगी तो होटल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है, प्रोग्रेस्ड कॉन्सेप्ट है, पर इनका थोड़ा मुझे लगता है इनका थोड़ा रेनोवेशंस करना चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा ओल्ड हो गया है। तो अगर रेनोवेशंस करते हैं तो होटल और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। एंड दैट्स द रेस्टोरेंट, और लिफ्ट आ गया है, अब मैं ऊपर जाने वाली हूँ रूम में, और थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, दैट्स द थिंग। पर इनका जो स्टाफ बिहेवियर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब 100 में मैं 99 दूंगी इनका स्टाफ बिहेवियर।
इन ऑल एस्पेक्ट्स सब बहुत अच्छे हैं। तो बस हो गया मेरा इधर उधर करना और मैं रूम में आ गई। अब लंच में मिलते हैं। लंच टाइम तो अभी 2:30 बज गए हैं, 2:30 इन द आफ्टरनून। तो जल्दी से देखा जाए कि आज का लंच मेनू क्या है। थोड़ा अनहेल्दी फूड है, मतलब थोड़ा स्पाइसी फूड है। लाइक यहाँ पे राइस है, आप देख सकते हो फाइन राइस है, उसके साथ दाल। दाल तो रोज़ चाहिए, दाल इज़ समथिंग जो जिनके बिना हम खा नहीं सकते। यहाँ पे होम स्टाइल आलू भाजा है, आलू भाजा मतलब पोटैटो फ्राई। तो ये होम स्टाइल है, एक्चुअली जो बाहर होता है ना वो थोड़ा जो कुरमुरे वाला आलू मतलब पोटैटो फ्राई होता है ना वैसा होता है, या तो फ्रेंच फ्राई टाइप होता है। पर मैंने यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर देके बनाया है आलू भाजा एकदम होम स्टाइल वाला। और जो जिसने ऑर्डर लिया था जो लड़का, उसने बहुत मतलब मेरी रिक्वेस्ट करने पर उसने कहा कि ठीक है हम लोग कर देंगे। और यहाँ पे है चिंगड़ी माछे झाल, दैट इज़ प्रॉन करी, पर थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि मैंने इन लोगों का प्रॉन मलाई करी हो रहा था, तो मैंने कहा मलाई करी नहीं लेना है, थोड़ा यू नो झाल टाइप, मतलब थोड़ा अनियन और टमाटो देके जो होता है ना वैसा कुछ ग्रेवी बना दो। तो इन लोगों ने यहाँ पे मटर डाल दिया है, पता नहीं मैंने कभी मटर के साथ नॉनवेज मतलब प्रॉन नहीं खाया है, पर आज थोड़ा ट्राई करने को मिलेगा, तो देखते क्या होता है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड, लुक्स यम, लिटिल स्पाइसी। यहाँ पे इन लोगों ने रोज़ की तरह अनियन, लेमन और मिर्चा दे दिया है, ग्रीन चिली, एंड दैट्स इट। अराउंड 5:00 मैं निकल गई क्योंकि मुझे ना वो लाइट हाउस जाना था। मैं आज तक पूरी गई हूँ पर लाइट हाउस कभी नहीं गई। और द थिंग इज़ लाइट हाउस 5:00 से 6:00 तक खुला होता है, और मेरा पहुँचते पहुँचते लाइट हाउस थोड़ा यू नो लेट हो गया था, तो काफ़ी चढ़ना पड़ता है। आप देखो मैं ऊपर जा रही हूँ और थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गई थी मैं ऊपर जाके, पर जब मैं मुझे ये व्यूज़ दिखाई दिया ना जो ऊपर जाते जो सुकून मिला, आई एम प्लीज्ड। मतलब जितना भी थकान हो गया था सब कुछ चला गया, एंड इट्स ऑसम। मतलब इतना अच्छा व्यू है, इट्स हेवन हेवन। आप देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब पहली बार मैं पूरी में लाइट हाउस में लाइट हाउस के ऊपर गई हूँ, तो इट्स रियली गुड। मतलब जगन्नाथ जी की बुआ की घर, तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। सो अभी बज रहे हैं 6:45 और हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ जी की बुआ की घर किशनगढ़। अभी चंदन यात्रा चल रहा है, नेक्स्ट मंथ को स्नान यात्रा है और उसके बाद रथ यात्रा है, तो पहले चंदन यात्रा चलता है। तो इतना शोरगोल है, पता नहीं कितना सुनाई दिया आप लोगों को, पर अभी मैं जा रही हूँ जगन्नाथ जी के पीशीर बाड़ी मतलब बुआ के घर, और नेक्स्ट मंथ को स्नान यात्रा है, उसके बाद रथ यात्रा है। तो इस महीने चल रहा है, अभी चल रहा है चंदन यात्रा, और इस टाइम को प्रभु रहते हैं अपनी पीशीर बाड़ी बुआ के घर। तो छोटे छोटे जो भगवान जी होते हैं ना उनको लेके जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखते हैं, और शाम को रात को वापस मंदिर चले आते हैं। तो यहाँ पे फेयर लगा है, मतलब मेला लगा है, और ये जो तालाब है सामने देख सकते हो बोट है, बहुत सजाया गया है, तो उसी बोट में प्रभु को रख के इस तालाब में सैर करवाया जाता है। और ये जो पानी है, तालाब के पानी बहुत पावन है, सब जाके यहाँ पे इस पानी को अपने यू नो लेके सर पे डाल रहे थे और छूते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी सैर करते हैं। और भगवान जी को मंदिर से लाया जाता है छोटे छोटे पालकी में, छोटे छोटे जो सिल्वर के भगवान जी है, मतलब छोटे छोटे सिल्वर के जो भगवान जी हैं अंदर जगन्नाथ टेम्पल के अंदर, उनको लाया जाता है, जगन्नाथ जी खुद नहीं आते हैं।
तो लाया जाता है छोटे छोटे पालकी में, और उन पालकी को आप छू के प्रणाम कर सकते हो। ये बाहर ही रखा जाता है, और मंदिर की तरफ जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा उस साइड से। और ये जो पालकियाँ हैं, इन पालकी में भगवान जी आए हैं मंदिर से, और रात को इन्हीं पालकी में सैर करते हुए चले जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से चीज़ है, फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला और अच्छा भी लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बोलो, कि आपको पता था ऐसा होता है? मुझे तो पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, और मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ मालूम पड़ा है कि चंदन यात्रा भी होता है और इस टाइम भगवान जी ऐसे आते हैं। बस अब मैं अंदर जा रही हूँ मंदिर के अंदर, और ये जो है ना, ये पिशीर बाड़ी है, मतलब बुआ का घर। और यहाँ पे आप अंदर आके अंदर में अंधेरे में भगवान जी को चंदन स्नान करवाया जा रहा है, आप देख सकते हो, पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। काफ़ी हद तक ये सही भी है। फिर मैंने आरती की, आरती करने के बाद मैंने देखा 8:30 बज चुका है, तो मैंने और नहीं रो मतलब वेट किया, फिर मैं निकल गई। और आप देखो कितना चहल पहल है आसपास, आप देख सकते हो कितने सारे ऐसे छोटे छोटे खिलौने की दुकान है, गोलगप्पे है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। फिर मुझे रिक्शा नहीं मिला, तो मैं चल के मंदिर तक आ गई। और फिर मंदिर तक जाने के टाइम मुझे दिखाई दिया ये जहाँ पे लकड़ियाँ रखा जा रहा है, जो जिनसे रथ बनाया जाएगा। और फिर उड़ीसा फिलिग्री सिल्वर ऑर्नामेंट शोरूम में मैं आई हूँ, बस रास्ते में मिल गया मुझे। और फिलिग्री एक ऐसा वर्क है जो उड़ीसा ओरिजिनेटेड है, उड़ीसा में ही बनता है। कटक इज़ द सिल्वर सिटी, और उड़ीसा कटक में ही फिलिग्री वर्क एक्चुअली होता है। तो अगर आप कभी भी उड़ीसा जाते हो तो डेफिनेटली आप फिलिग्री वर्क देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों का फिलिग्री वर्क। और मैंने क्या क्या खरीदा है मैं आपके साथ अलग व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर मैं शर्गोदर वापस आ गई, और पूरी में ना आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे बहुत सारे, जहाँ पे शंख शाखा पूजा की सामग्री बर्तन भगवान की मूर्ति ये सब आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी सस्ते में मिलता है, जितना मुझे लगता है काफ़ी सस्ता होता है। बस वहाँ से भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत कुछ लिया, और उसके बाद मैं सीधा होटल जाने के लिए निकल गई। एक टोटो या ऑटो कुछ भी ले लेंगे, जो भी मिलेगा, क्योंकि कल सुबह सुबह पूजा देना है, तो आज जल्दी वो होटल वापस लौटना है। तो अभी तक पूरी में चहल पहल है, तो मैं होटल वापस आके ऊपर नहीं गई, सीधा रेस्टोरेंट चली आई, क्योंकि हमारा खाना ऑर्डर था। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, मैंने लिया है भिंडी मसाला, चिकन भरता और होम स्टाइल रोटी। और एज़ यूजुअल खाना काफ़ी अच्छा था, चिकन भरता बहुत लाइट था, मतलब होम स्टाइल चिकन भरता था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और खाने के बाद थोड़ा लॉन में जाके बैठ गई, क्योंकि हवा बहुत सही चल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो आज यहीं पे मेरा 4th डे व्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।